बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। हमारे पास जो ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं या जो भी हमारे पास पैथोलॉजिकल रिएक्शन बॉडी शो करती है अगेंस्ट एनवायरमेंटल केमिकल और माइक्रोब्स के खिलाफ, वो हमारे पास टी सेल की वजह से होते हैं मोस्टली। अब टी सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द इन्फ्लेमेशन एंड द पोटेंशियल टिश्यू डैमेज दैट इज कॉज्ड आइदर बाय टी हेल्पर सेल CD4 पॉजिटिव और साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव। टी लिम्फोसाइट को टी इसलिए कहा जाता है चूंकि थाइमस में मैच्योर होता है और इसकी दो टाइप्स होती हैं। वन CD4 पॉजिटिव जिनको आप हेल्पर टी सेल कहते हो, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और इम्यून सेल्स के कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जबकि CD8 पॉजिटिव किलर टी सेल होते हैं और ये स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर जाके काम करते हैं। हमारे पास एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट करें जो फर्स्ट एग्जांपल दी गई है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट करें हमारे पास एक पॉइजन IVI है, ठीक है, और वो बंदा उसको एक्सपोज होने लग गया, ठीक है, और वो इस तरह से हुआ कि जो यूरोशोल था वो पर्सन के स्किन के अंदर इंटर होता है और इतना फास्ट होता है कि एपिडर्मिस नहीं डायरेक्ट डर्मिस के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या होता है कि जो लैंगरहंस सेल्स होते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, वो उसको क्या करने लग जाते हैं, कैप्चर करने लग जाते हैं क्योंकि वो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। एंड देन टेक इट टू ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, प्रेजेंट इट टू द एंटीजन ऑन इट्स सर्फेस टू क्लास 2 MHC2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वहाँ पर जाके CD4 सेल उसको चेक करने की कोशिश करते हैं और रिकोगनाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर CD4 पॉजिटिव टी सेल साथ में CD28 को भी एक्सप्रेस करेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि CD28 एज अ कॉस्टमोडेटर काम करता है। जब CD28 एक्सप्रेस होगा तो वो साथ में B7 को भी बाइंड करने लग जाएगा डेंड्रेटिक सेल के सर्फेस के ऊपर, और जब एक दफ़ा वहाँ पर जाके B7 भी बाइंड करने लग गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ होने लग जाएगी कि डेंड्रेटिक सेल इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करेगा। इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो टी सेल को बताता है कि वो मैच्योर हो और एज अ रिजल्ट TH1 सेल को रिलीज करता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि इंटरल्यूकिन 12 का सबसेट होता है TH1 सबसेट, ठीक है। नाउ अब आप इसको नर्व्स जो होता है ये आपके पास नाइफ्स नहीं होता टी सेल, बल्कि जब ये TH1 को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो आप इसको इफेक्टर सेल कहने लग जाते हो। उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा। हमें पता है इंटरल्यूकिन 2 क्या चीज़ करता है, प्रोलीफ्रेशन के अंदर हेल्प करता है सेल्स की, तो जब टी सेल की और प्रोलीफ्रेशन होगी तो और ज़्यादा जो हमारे पास होंगे वो प्रोलीफ्रेट होने लग जाएंगे, और टी सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाएगी और फिर ये इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ कर देगा। इंटरफेरॉन गामा क्या चीज़ होती है, पोटेंट मैक्रोफेज एक्टिवेटर होता है जो और ज़्यादा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा और ज़्यादा TH1 सेल्स को जो है वो क्रिएट करने लग जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या चीज़ होगा, ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं ये और ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज़ करने लग जाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया। हमें पता है जब और ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज होंगे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो एंडोथेलियल बैरियर्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर एक लीकनेस क्रिएट होने लग जाती है। जब और ज़्यादा लीकनेस क्रिएट होने लग जाती है तो और इम्यून सेल्स वहाँ पर आने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर कोई डैमेज कॉज हो रहा है, तो और ज़्यादा इम्यून सेल्स आने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑलरेडी लीकनेस है, फ्लूइड आ रहा है, एडिमा होने लग जाएगा, रेडनेस कॉज करने लग जाएगा, फीवर होने लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएंगे, और ज़्यादा लाइसोसोमल एंजाइम्स आएंगे, कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स आएंगे, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज आएंगे, H2O2 आएगा और फर्दर सेल क्या जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है यानी टिश्यू डैमेज की तरफ जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, इट ऑल्सो रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम, कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और एज अ रिजल्ट फर्दर टिश्यू जो है वो डैमेज कॉज होने लग गया, ठीक है। अब इन केस ऑफ पॉइजन IVI जो हमारे पास होगा ये क्या कॉज करेगा, हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा जिसको हम स्किन की जिसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डर्मेटाइटिस सिर्फ स्किन इन्फ्लेमेशन जो आपके पास है डर्मेटाइटिस, ये सिर्फ पॉइजन IVI की वजह से नहीं होती, इवन जो लोग निकल को पहनते हैं जैसे कि ईयर रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे भी कॉज होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बुक में डिस्कस की गई है डिलेट हाइपर टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डिलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है डेट डेवलप रिस्पॉन्ड टू एंटीजन चैलेंज इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज इंडिविजुअल। इन कंट्रास्ट विद इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज डिलेट फॉर 12 to 48 hours, विच इज़ द टाइम टेकन बाय द अफेक्टेड टी सेल टू बी रिक्रिएटेड टू द साइट ऑफ एंटीजन चैलेंज एंड टू बी एक्टिवेटेड टू सीक्रेट साइटोकाइंस। ये इमीडिएट नहीं होता बल्कि इसको 12 to 48 hours का टाइम चाहिए होता है कि जिसके दौरान हमारे पास जो साइटोकाइंस हैं वो हमारे पास साइट ऑफ एंटीजन के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं और अपना रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि स्किन के अंदर क्या होता है और सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको दो कैटेगरी में डिराइव किया जाता है,
एक स्किन है और एक सिस्टमिक है। स्किन के अंदर हमारे पास ये है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है 12 to 48 hours के बाद होता है, और जो सिस्टमिक है उस पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है एग्जाम्पल्स के अंदर, वो 48 to 72 hours के बाद होता है। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में होता है कि मैं क्या क्या करती हूँ, आई एम ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन देती हूँ, ठीक है, एक पर्सन को जो पहले से एक्सपोज था ट्यूबरकुलर बैसिलस को, ठीक है। अब जब ऑलरेडी वो एक्सपोज था तो 8 to 12 hours के बाद आप ये देखोगे कि जब आपने उसको इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया होगा ट्यूबरकुलिन का, तो वहाँ पे एक एरिया बनने लग जाएगा, एरिथमा होने लग जाएगा, और इंड्यूरेशन आपके पास जो अपीयर होने लग जाएगी, ठीक है। इंड्यूरेशन क्या होता है, जब स्किन आपके पास बहुत ही थिक और हार्ड होने लग जाती है तो आप उसे इंड्यूरेशन कहने लग जाते हो, ठीक है। और 24 to 72 hours के बाद हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कफिंग होने लग जाएगी, और 1 to 2 centimeter डायमीटर का प्रॉपर जो आपके पास होता है वो एक स्किन जो आपके पास होती है वहाँ पे मतलब आपको हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपीयर होने लग जाएगा, ठीक है, और आप इसको कफिंग कहते रहते हो क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन होती है CD4 सेल्स के और मैक्रोफेजेस की, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास सिस्टमिक है इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है जिसके अंदर जो माइलिन होती है अराउंड द नर्व फाइबर वो डैमेज होने लग जाती है, एंड सेकंड एग्जांपल इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जहाँ पे जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो डैमेज होने लग जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास नेक टी सेल्स TH1 से अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस की, ये TH17 से भी होता है रिएक्शन लेकिन थोड़ा कम होता है। इसके अंदर कॉज जो होता है वो इंटरल्यूकिन 6 होता है और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है जो कि और ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेल्स की तरफ, किलर टी सेल्स की तरफ। किलर टी सेल्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास एंटीजन बेयरिंग टारगेट सेल्स को क्या करते हैं, किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टी सेल होगा तो MHC class 1 को जाके ये रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। एंटीजन सेल के अंदर प्रेजेंट होगा या वो वायरस होगा या वो कैंसर होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेगा बाय सेक्रेटिंग द परफोरिन टेस्क्रेजन एंजाइम, ठीक है, और एज अ रिजल्ट डायरेक्ट जो है वो सेल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे होल पिंच करने लग जाएंगे और सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। एग्जांपल 3 है, Type 1 diabetes mellitus, हशिमोटो थायरॉइडाइटिस एंड रिजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। Type 1 diabetes mellitus के अंदर ये डायरेक्टली जाता है और जाके बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को अफेक्ट करता है। हशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर जाके थायराइड एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, किल करता है, और रिजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान भी आप इसको सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। दैट्स ऑल।